अभी हमारे पास में इंडियन स्टॉक का मार्केट मतलब NSE और BSE ये दोनों को अगर हम मिलाए तो हमारे पास में कौन कौन से इंडेक्सेस अवेलेबल है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। पहला हमारे पास में निफ्टी है, फिर हमारे पास में बैंक निफ्टी है, फिर हमारे पास में फिन निफ्टी है, फिर हमारे पास में मिड कैप निफ्टी है और फिर हमारे पास में सेंसेक्स है। फॉर नाउ मैं पर्सनली सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करता क्योंकि मुझे फिलहाल BSE के अंदर अभी इस स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करता, पर आगे जाकर मैं शायद इसके अंदर में भी यूज करने लग जाऊं। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग, मान लीजिए ये हम एक डमी नंबर लेते हैं, निफ्टी चल रहा है 100 पे, बैंक निफ्टी चल रहा है 100 पे और फिर निफ्टी चल रहा है 100 और मिड कैप भी चल रहा है 100 पे। एक्चुअली निफ्टी अभी चल रहा होगा 21,000-22,000 पे, बैंक निफ्टी चल रहा होगा 47,000-48,000 पे, फिर निफ्टी चल रहा होगा कुछ और वैल्यू पे, मिड कैप निफ्टी 10,000-11,000 के आसपास चल रहा होगा। ये सब अपनी अपनी जगह पे चल रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल थियोरी समझने के लिए आप मानिए कि सभी जो इंडेक्सेस है वो 100 रुपए के ऊपर चल रहे हैं। तो जैसे ही 100 का 95 आता है बैंक निफ्टी 100 से, अच्छा उसके पहले हमको क्या करना है, हमको दो चीज डिसाइड करनी है, इसमें से कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमको बाय करने हैं और कोई भी दो इंडेक्स हमको सेल करने हैं। ठीक है, दो बाय करने हैं, दो सेल करने हैं। अब कोई भी आप कॉम्बिनेशन रखते हैं, निफ्टी फिर निफ्टी को बाय कर सकते हैं, बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी को सेल कर दीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी बाय कर लीजिए, फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी सेल कर दीजिए, निफ्टी मिड कैप निफ्टी सेल कर दीजिए, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी बाय कर दीजिए, जो भी कैसे भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन एक बार कॉम्बिनेशन बना दिया तो फिर उसके ऊपर वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो दो को हमको बाय करना है, दो को हमको सेल करना है। उसके बाद में हमको एक वैल्यू डिसाइड करनी है कि हमारा चर्निंग वैल्यू क्या है, मतलब कितने रुपए हमको प्रॉफिट और लॉस के अंदर रोटेट करते जाने हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ये कंटिन्यूस वाली स्ट्रेटेजी है, तो इसके अंदर फंड्स कैपिटल थोड़ा ज्यादा रखते हैं। तो यहां पर हमको क्या करना है, मान लीजिए निफ्टी जो है और हमने यहां पर हमने चर्निंग वैल्यू जो है वो सपोज 10 की डिसाइड करी है। ठीक है, 10 रुपए हमने डिसाइड किए हैं, अब इसको कुछ भी 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जैसा भी आपकी कैपेसिटी उसके हिसाब से आप चर्निंग वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं। जितनी छोटी चर्निंग वैल्यू रहेगी उतने ज्यादा ट्रेड होंगे, जितनी बड़ी चर्निंग वैल्यू रहेगी उतने कम ट्रेड होंगे। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए निफ्टी जो है 100 से 95 आ गया, बैंक निफ्टी 900 से 98 आ गया, फिर निफ्टी 100 से 101 आ गया और मिड कैप निफ्टी 100 से 90 आ गया। अब मान लीजिए आपने इसको निफ्टी को जो है वो बाय किया हुआ है, बैंक निफ्टी को बाय किया हुआ है, इसको सेल किया हुआ है, इसको सेल किया हुआ है। ये जो शुरू की जो पोजिशन है हमारी बाय और सेल, दो बाय दो सेल, ये सिर्फ हमारी एक पोजिशन शुरू करने के लिए हमारी पोजिशन रहेगी, इसका आगे जाके कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रेलेवेंस नहीं है। आप चाहे तो उसको नहीं भी बनाएंगे तो भी आगे का कॉन्सेप्ट पूरा सेम रहेगा। हमें इस पॉइंट को कंपेयर करना है, यहां पर हमको -5 हुआ है, यहां पर हमको -2 हुआ है, यहां पर हमको +1 हुआ है और यहां पर हमको -10 हुआ है। अभी हमको इन सब की जो है जो डिफरेंसेस है वो हमको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं देखो -2 -2 मतलब -5 -2 मतलब कि मेरे को -3 इन दोनों के बीच में जो है 3 रुपए का डिफरेंस पैदा हुआ है। उसी तरीके से अगर मैं निफ्टी और फिन निफ्टी को देखूं तो यहां पर मुझे -5 -1 = -6 -6 रुपीज का डिफरेंस पैदा हुआ है। निफ्टी और मिड कैप निफ्टी इसमें अगर मैं देखूं तो यहां -5 --10 मतलब कि +5 का यहां पर डिफरेंस पैदा हुआ है। उसी तरीके से हमको फिन निफ्टी और निफ्टी इसका भी देखना है, फिर इसका भी देखना है। ठीक है, ये सब देखने के बाद में हमको ये देखना है कि कौन सा वाला जो सबसे ज्यादा डिफरेंस हमको देता है। तो मान लीजिए हमको यहां पर जैसे ये भी अगर मैं कंपेयर करूं तो -2 -1 = -3 ठीक है, इन दोनों का भी मैं अगर कंपेयर करूं -2 --10 तो ये हो गया 8। ठीक है, तो हमारे पास में 4 डिफरेंसेस हो गए, एक और निफ्टी फिर मिड कैप निफ्टी का भी हमने कर दिया है। ठीक है, तो और क्या बचा, बैंक निफ्टी और ये इसका भी हमको निकालना है, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, तो वो भी हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा, वो तो हमने निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमको 5 अलग अलग डिफरेंसेस मिल गए, एक में 3 रुपए का डिफरेंस है, एक में 6 रुपए का, एक में 5 रुपए का, एक में 3 रुपए का, एक में 8 रुपए का,
तो सबसे बड़ा डिफरेंस हमको किधर आया, इधर आया। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को चेक करेंगे, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। ओके, अभी यहां पर हमने क्या देखा कि ये 2 रुपया कम हुआ है और ये 10 रुपया कम हुआ है। तो ज्यादा कौन सा कम हुआ है, ये गिरा है, मतलब ये फिर से आगे जाकर रेजोनेट होगा, फिर से आगे जाकर न्यूट्रलाइज होगा और उसका जो डिविएशन है वो कम होगा। तो ये 90 वाला वापस 100 जाएगा और ये 90 वाला भी वापस 100 जाएगा। तो ये जो सबसे ज्यादा गिरा है, इसका फॉल ज्यादा आया है, इसको हम बाय करेंगे और बैंक निफ्टी को हम सेल करेंगे। ये हो गए हमारे पैर ट्रेडिंग। उसके बाद में ये हमारा ट्रेड नंबर 1 हुआ। फिर इसके बाद में हम फिर से एनालाइज करेंगे थोड़े समय के बाद में, फिर देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी फिर निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप, इसमें किसमें ज्यादा मूवमेंट, किसमें ज्यादा डिविएशन होगा, जिसमें ज्यादा डिविएशन होगा उसके हम ट्रेड्स लेते जाएंगे। आज हमने इसको बैंक निफ्टी को सेल किया है, मिड कैप निफ्टी को बाय किया है। हो सकता है बाद में ऐसा हो जाए कि फिर निफ्टी हम बाय करेंगे और मिड कैप निफ्टी हम सेल करेंगे, तो क्या होगा, आपकी ये दोनों पोजिशन नलीफाई हो जाएगी, ये प्लस थी ये माइनस होगी, ये नलीफाई हो गया, फिर आपके सिर्फ ये दो पोजिशन ओपन रहेंगी। आगे जाके ऐसा भी हो सकता है निफ्टी आप बाय करेंगे और बैंक निफ्टी आप सेल करेंगे, तो क्या होगा, इसकी आपकी एक पोजीशन होगी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की आपकी 2 पोजीशन होगी, फिर निफ्टी की आपकी 1 पोजीशन होगी और मिड कैप निफ्टी 0 होगी। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो मैं एल्गो इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और इसके एल्गो को डिजाइन कर रहा हूँ।